हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 38 बना दिए। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर वॉच करें। और चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में एमपी टेट की परीक्षा हो रही है उससे रिलेटेड, यानी मध्य प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और इंग्लिश ग्रामर के मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें है आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मध्य प्रदेश में जो पीबी है उसके आए हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है वो है हिज फादर इज डैश MLA, और यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है ए, द, एन या नन ऑफ द एबव में से। ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो रूल है, मैं पहले रूल्स बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या यूज होगा। कि जब भी हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताएं, क्या बताएं, प्रोफेशन बताएं, व्यवसाय बताते हैं, तो हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब MLA से पहले ए आएगा या एन आएगा इसे देख लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो है एम, और एम का जो प्रोनंसिएशन होता है वो होगा आपका इस तरह से एम, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है आपके यहाँ पर बॉबल साउंड आता है, और बॉबल साउंड से पहले यूज किया जाता है एन। तो यहाँ पर आपको एन आर्टिकल का यूज करना है, तो राइट ऑप्शन है आपका ए, यानी हिज फादर इज एन MLA। यदि इसका फुल फॉर्म लिखा होता MLA का, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर यूज होता फिर ए आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा सेंटेंस, टेक दिस मेडिसिन थ्राइस थ्री टाइम्स डैश डे, और हमें यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है ए, द, एन या नन ऑफ दीज में से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आर्टिकल यूज किया जाएगा वो किया जाएगा थ्री टाइम्स अ डे होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए। नेक्स्ट है बनानाज आर 12 rupees डैश डजन, और यहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज करना है ए, द, एन या नन ऑफ द इज में से। तो जब भी किसी वस्तु की हम क्या बताते हैं, कॉस्ट बताते हैं, कीमत बताते हैं, तो वहाँ पर आपका आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, बनाना आर 12 rupees अ डजन, तो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका ए, ए इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज ज्वाइंड डैश आर्मी, और यहाँ पर यूज करना है ए, द या एन में से। तो इसका रूल समझिए कि जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो या एयर फोर्स हो, ठीक है, इन सबसे पहले आपका आर्टिकल यूज किया जाता है द। तो यहाँ पर भी हमें जो आर्टिकल यूज करना होगा वो करना होगा द, यानी माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द आर्मी, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। ओके नेक्स्ट है देयर इज डैश एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, और यहाँ पर यूज करना है डिटरमाइनर हमें एनी, आइदर, सम या मोस्ट में से। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले ध्यान से देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मोस्ट, ठीक। तो मैं मोस्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये आपका डी नंबर का ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए देयर इज डैश एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, कुछ एविडेंस हैं जिससे पता चलता है जो है क्या है, गिल्टी है, अपराधी है। एनी, अब एनी का यूज यहाँ पर किया जाएगा क्या, तो देखिए एनी का यूज मोस्टली निगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में किया जाता है, हालांकि पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। आगे आइदर, आइदर का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आइदर का यूज टू थिंग्स के लिए किया जाता है, आइदर है, नाइदर है, बोथ ही, इनका यूज दो के लिए किया जाता है, ठीक है। एविडेंस यहाँ पर कैसा है, अनकाउंटेबल है इस समय। सम, सम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में।
सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। और एक है हमारा मोस्ट, मोस्ट ऑफ होता है तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बन रही। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, यानी यहाँ पर सम का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। ओके नेक्स्ट है ही डिड नॉट स्पीक डैश इंग्लिश, यहाँ पर यूज करना है मच, इनफ, आइदर या फ्यू। तो सबसे पहले देखते हैं यूज क्या होगा। जो मच है, मच के बाद आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इनफ के बाद भी नाउन का यूज होता है, आइदर का यूज अभी मैंने बताया है दो के लिए किया जाता है, फ्यू के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। तो ही डिड नॉट स्पीक डैश इंग्लिश, अब इंग्लिश आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, मच। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो यूज किया जाएगा मच, यानी ही डिडंट स्पीक मच इंग्लिश। और मच का यूज मोस्टली नेगेटिव में ही किया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है इट हैजंट मेड डैश डिफरेंस, और यहाँ पर यूज करना है मोस्ट, सम, ईच या एनी में से। तो मोस्ट ऑफ द, और यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आता है। सम के बाद क्या आता है आपका, सम का यूज होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव लिखा है, ठीक है। ईच का प्रयोग कहाँ होता है, ईच के बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईच और एवरी के बाद। लेकिन डिफरेंस कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, देखिए हमारा नेगेटिव लिखा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अब बोल रहा डी। तो यहाँ पर आपका क्या यूज किया जाएगा, एनी, तो यानी इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यूज करना इनफ, बोथ, फ्यूअर एंड ईच में से। ओके मैं फोर्थ नंबर का ऑप्शन अभी ऊपर लिखता हूँ। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपका ईच, सॉरी। अब देखते हैं इनफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है आपका, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बोथ का यूज किसके लिए किया जाता है, दो के लिए। फ्यूअर यानी लेसर, है ना, कम संख्या के लिए, यानी लगभग नेगेटिव अर्थ आता है। और फ्यूचर बात क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ईच की बात क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। स्टूडेंट कैसा नाउन है, प्लूरल है, ईच नहीं आएगा। बोथ है, बोथ दो के लिए होता है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। इनफ का यूज नहीं हो रहा, फ्यूअर का यूज यहाँ पर सुटेबल होगा कि फ्यूअर स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा आपका सी। ओके तो दोस्तों आज की क्लास में चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में अगले। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।